अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बहन भाई, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह पाक आपकी तमाम मुश्किलें परेशानियों को ख़त्म कर दे, आपको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आपका जितना भी दुख दर्द है, जितने भी आपको अपने प्यारे की आस हैं, जितनी भी उससे मोहब्बत है, अल्लाह पाक उसको अपनी जनाब से अता करे, ना कि उसके आगे झुकने से, बल्कि अल्लाह पाक आपकी दुआ मंजूर करे। आपका प्यार, आपकी पढ़ाइयाँ, आपका अल्लाह के साथ तल्लक जुड़ने वाला जो है, उसी को रब सोना कबूल करे और आपकी मुश्किल आसान करे। आमीन। अमल नाम अल्लाह के से शुरू है, या वुदूदू का अमल है, बहुत प्यारा, सिर्फ एक दिन का ये अमल है। अपने प्यारे को हाजिर करने का ये अमल है। मैं वजीफ़े नहीं बता रही आपको, जितनी भी मेरी वीडियोस हैं, अमल है, अमलियात है, अमल है। अमल को अमल की तरह किया जाए तो अमल कामयाब होता है। सबसे पहले मैं आपको जो अमल समझाऊंगी, उससे पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूंगी। बहुत से ऐसे बहन भाई हैं जो बहुत ज़्यादा कमेंट्स करते हैं, रابطہ करते हैं, तो प्लीज़ वो बहन भाई अमल के लिए रابطہ करें ताकि मदद की जाए, जो मुकम्मल सन्सियर हैं, जो वाकई चाहते हैं अपने प्यारों को, ना कि एक मजाक। बहुत से ऐसे बहन भाई हैं जो कहते हैं कि अब एक इस्तखारा कर दिया है, तीन घंटे एक इस्तखारे में लगते हैं, फिर कहते हैं दूसरे का इस्तखारा कर दें। ये प्यार ना हुआ, ये मोहब्बत ना हुई, ये आपका उस प्यारे से सिर्फ एक दिल लगाना हुआ, ये गुनाह है। गुनाह के लिए ये अमल ना कीजिएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से शुरू करते हैं, जिस शख्स को पसंद हो कि उसकी उम्र दराज हो जाए, उसके रिस्क में अजाफा हो जाए, तो वो अपने वालदैन के साथ अच्छा सलूक करे, अपने वालदैन पर सिला रहमी यानी नरमी से बात करे, नरमी से पेश आए। ये तमाम चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पसंद करते, माँ बाप से गुस्सा करना। आज रसल्लम नहीं पसंद करते थे कि कोई ऊंचा बोले, यहाँ तक कि हुक्म ये था कि जब नमाज में माँ बाप आवाज़ भी दें, खासकर माँ, तो नमाज को तोड़ देने का हुक्म था। तो प्यारे बहन भाइयों, इज़्ज़त करें उन प्यारी प्यारी रूहों की जो दोबारा कभी नहीं आएंगी। अमल ये एक नक्श है, इस नक्श को आपने बनाना है। नक्श बनाने के बाद आपने अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, आला खूब फलां बिन फलां, जिसके लिए अमल किया जा रहा है उसका नाम, ठीक है, ये आपने नक्श बना लेना है। ये नक्श आपने अपने बनाकर बाजू पर बांधना है, जिसके नीचे नाम लिखे होंगे। एक और नक्श बनाना है, यानी कि दो नक्श बनाएंगे। जिसने बिस्मिल्लाह ये वाली नहीं लिखेंगे, 786 नहीं लिखेंगे, सिर्फ ये मुकम्मल नक्श बनेगा, ठीक है, ना अलिफ बा जीम दाल ये भी नहीं लिखेंगे, बस दरमियान वाला। और जिसको पुकारना है, जिसको हासिल करना चाहते हैं, जिसके दिल में आग जलाना चाहते हैं, जिसको तड़पाना चाहते हैं, इतना ना, मतलब कि ऐसा अमल ना कीजिएगा जिससे बहुत ज़्यादा तड़प पैदा हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो, ठीक है। अपनी मोहब्बत के लिए अपने प्यारे को इसका नाम यहाँ पर लिखें, ठीक है, और एक ही दिन बस ये अमल कीजिएगा, दो तीन दिन ये अमल ना कीजिएगा, ज़्यादा बेचैनी हो जाएगी, परेशानी होगी आपको फिर, ठीक है, एक दिन ये अमल कीजिएगा। अब ये नक्श आपने फलां बिन फलां का अपनी बाजू पे बांधना है सीधी साइड पर, और जो दूसरा है वो आपने अपने जो जलाने के लिए काम आएगा, ठीक है। जलाने का तरीका मैं आपको समझाने लगी हूँ, पहले ये अमल का तरीका आप समझ लें। आपने ये नक्श आपने इसी तरह इसके ऊपर लिख लेना है, ठीक है, ये नक्श लिखें, और ये कैंडल समझे, ये कैंडल है, मोमबत्ती है, इसके ऊपर इसको रख कर ऐसे जला देना है, जलाना है, कम से कम जब तक ये पूरा ना जले तब तक इसको, मतलब कि आप ना फेंकें, इसकी राख को उठाकर पानी में भिगोकर दीवार पर फेंक दें। अब जब इसको जला लिया, ठीक है ना, अपना तवक्कल तस्वीर पहले 10 मिनट देखें, अपना तवक्कल, अपना तसव्वुर बहुत मजबूत करना है। तवक्कल अल्लाह के कलाम पे कीजिएगा, तसव्वुर अपना मजबूत करना है। अब आपने दिन में ये काम किया, रात को सोते वक्त या अल्लाहु या वदूदु सिर्फ और सिर्फ 33 बार पढ़ना है, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। नमाज की पाबंदी है, इतवार को भी अमल कर सकते हैं, बहुत बाबरकत है, नहीं तो कोई से भी दिन कर लें, मंगल और हफ्ते वाले दिन ना करें। दिन
इसमें जो दिन की जो पकड़ है, जो दिन आपको बताया जा रहा है, दिन के वक़्त आपने ये वाला अमल करना है, नक्श वगैरह का आपने तैयारी करनी है और जलाना है इसको, ठीक है, बाजू पर बंधा रहने दें जब भी अल्लाह का जिक्र करें, और रात में जो उनसा है अल्लाह का ये जिक्र करके आपने सो जाना है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से सुबह तक आपका काम हो जाएगा। इंशाल्लाह आपका महबूब, आपका प्यारा, जिससे आप मोहब्बत रखते हैं, जिससे लाजिम नहीं है कि ये एक ही मकसद के लिए है, शादी के लिए भी कर सकते हैं, जिससे आप शादी करना चाहते हैं उसके लिए अमल करें, शोहर हस्बैंड वाइफ मियाँ बीवी में भी ये कर सकते हैं। अगर अपने प्यारे को पाना चाहते हैं, वो बहुत दूर जा चुका है, उसने ब्लॉक किया है, नाराज़ है, रूठा हुआ है, तो ये अमल ज़रूर करें। इंशाल्लाह एक दिन में ही आपको इसका, इस अमल की ताकत का पता लगेगा। अल्लाह के कलाम, अल्लाह का नाम, यही बहुत काफ़ी है आपके प्यारे को लाने के लिए ना, ये काफ़ी है। तो इसी के साथ मदरसा फातिमा तुज़्ज़हरा लिल बनात को इजाज़त दें। कोई बात पूछनी हो, कोई समझ ना आ रही हो, तो ज़रूर एक दफ़ा मदरसे वालों से राबता कर लीजिएगा, ठीक है, वो मुझे पता लग जाएगा, फिर मैं आपसे ख़ुद राबता कर लूँगी, ठीक है, परेशान ना होइएगा। हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लाइव वीडियो आपको सिर्फ YouTube चैनल पर ही मिलेगी, लाइव वीडियो YouTube चैनल पर मिलेगी। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जल्द से जल्द कर लें, ताकि आपको अमल सीखना, अमलियात सिखाना, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो मोकल परी रूहानियात बातनी आँख इनके अमल भी है, वो भी पेश किए जाएंगे, लाइव समझाया जाएगा, तो फिर वो भी आप इंशाल्लाह आपके साथ शेयर किए जाएंगे। रिस्क के अमल, जादू जिन्नात सफली इलम के अमल तमाम आपको समझाए जाएंगे, सही एक आमिल बनाया जाएगा, तो इंशाल्लाह राबता करें, उसके लिए भी अपनी मदद खुद भी करें। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, अगर आप इस्तखारा या रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं, या अमल करवाना चाहते हैं, या अमलियात सीखना चाहते हैं, तो हमारे फेसबुक पर आकर आप फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर हमसे बात कर सकते हैं। जो भी मसला परेशानी है उसमें जरूरत आपका नाम, आपकी वालदा का नाम, सिटी कंट्री मौजूदा और मसला बयान, ये चीजें बताकर आप अपना इस्तखारा भी कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। और अगर आपने इस्तखारा करवाना है तभी रब्ता करें, अगर इस्तखारा नहीं करवाना तो ये दीन है, ये कोई फन या एंटरटेनमेंट नहीं है, अपना भी टाइम ज़ाया ना करें और मदरसे वालों का भी टाइम ना ज़ाया करें। आपकी वजह से बहुत से ऐसे लोग जो परेशान हाल घरों में हैं, उनकी भी बात फिर नहीं सुनी जा सकती। जज़ाकल्लाह।